आपको मैंने पहले बताया था भाई, रोडों में भी हम जो बम जरूर फाड़ेंगे, क्योंकि भाई जिस सिटी से उठे ना, जिस सिटी का नाम कर रहे हैं, वहाँ पे खुशी मनाना तो बनता है भाई। तुम्हारे हाथ काम के नहीं हैं। भाई। ओ भाई। यहाँ पे हो गया सीन। कंपनी विजिट है, आप देख लो कहीं भी वायर हो गया घर पे। चालान कर देते हैं, कोडिंग फ्री कर देते हैं। ये कि यार तेरे को फोन से ब्लॉक करते हुए देखा यार हम लोगों ने ना, यार देखा आज कहाँ पहुँच गया भाई। देख रहे हो भाई, हमारे लिए मैटर करती है यार, अपना दोस्त आज 1,00,000 सब्सक्राइबर से भी ऊपर जा चुका है यार। लोगों को लगता है ना व्लॉगिंग आसान है, तो भाई देख लो यहाँ पे खुद पूरी बाइक खोल दी है भाई। पीछे सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहडू से बावा। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि भाई मैं इस व्लॉग के बाद जो है घर चला जाऊंगा। आपको पता है यार, अपने बाइक का जो है थोड़ा बहुत क्रैश हो गया था, तो उसका काम वगैरह जो है करा दिया था। उसके बाद मैं सीधा ही घर आ गया। मैं यार बीमार था, बाकी आवाज़ से आप लोगों को पता लग ही रहा होगा भाई, मैं ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो मैंने सोचा सीधा घर जाता हूँ और फिर ही व्लॉग करूँगा। भाई बहुत ज़्यादा दर्द है गले में। और भाई घर आते ही हमने अपने 100K का सेलिब्रेशन जो कर दिया था घर वालों के साथ, मम्मा पापा के साथ। भाई बहुत अच्छा लगा, कसम से बता रहा हूँ यार। मैं इतने टाइम के बाद घर आया ना, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, तो खुद भी कसम से बता रहा हूँ भाई। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ है, ठीक है। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ रोडू। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था भाई, रोडू में भी हम जो है बम फाड़ने वाले हैं। तो गाइस आज का सीन ऐसा कि अभी मैंने मंदिर भी जाना है, हाटेश्वरी माता के मंदिर दर्शन वगैरह करना है। गाइस अभी मैंने जाना है हाटेश्वरी माता के मंदिर दर्शन करने, काफ़ी टाइम से मतलब नहीं गया था वहाँ पे, और उसके बाद निकलना है रोडू। तो देखते हैं आज के क्या सीन रहते हैं। आज भाई रोडू से व्लॉग आने वाला, तो नेक्स्ट लेवल व्लॉग आने वाला है गाइस। तो गाइस अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा रोड पे। सो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ अपनी बाइक के पास। देख रहे हो भाई कितनी प्यारी लग रही है यार, बहुत ही प्यारी गाइस। इसको जब भी देखता हूँ ना भाई, ऐसा मन करता है इसको देखता ही रहूँ देखता ही रहूँ। इतनी प्यारी बनी है ना गाइस, कसम से। गाइस इसमें जो है थोड़ा सा काम रहता है, इसके जो ये वाला स्क्रैच है ये भी ठीक करना है, और यहाँ पे हल्की हल्की पेंट वगैरह करना है, और ये वाली जो फेरिंग है यहाँ से इसको भी पेंट करना। आपको पता जब चांचल के थे उस टाइम पर टूट गई थी, सबसे लेके मैंने बनाई नहीं थी। और इस साइड को आपको बताऊँ तो इस साइड को भी यार स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, इसको भी हम जल्दी ठीक करा देंगे। बाकी यार आवाज़ जो है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि भाई मेरा होली कुछ ज़्यादा ही बेरहम हो गई हुई थी अपनी, क्या बताऊँ भाई। बाकी गाइस करते इसको फटाफट से कोल्ड स्टार्ट और निकलते हैं। आज का व्लॉग जो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइस रोडू से। आपको पता है भाई जब भी रोडू आता हूँ तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही सीन होता है गाइस। और मैंने ये ग्लव्स भी जो है ले लिए हुए हैं, काफ़ी सारे बंदे मेरे को बोलते थे कि भाई तू ना गियर्स पहन के चलाया कर। तो गाइस मैंने ग्लव्स भी ले लिए हुए हैं, LS2 के बहुत ही अच्छे ग्लव्स है, कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा। पर मेरे को ग्लव्स पहन के ना थोड़ा कम्फर्ट फील नहीं होता, बट क्या करें गाइस, पहनने तो पड़ेंगे भाई, नहीं तो लोग पता क्या बोलते हैं कि इनके अंदर जो है एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी जिन्हें पता उन्हें पता है। बाकी यार आवाज़ को बाकी यार एडजस्ट कर लेना, मेरी जो है वॉइस थोड़ी ख़राब है आज, क्योंकि भाई गला बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, बहुत ज़्यादा। फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बंदे जो है कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि भाई व्लॉग लाओ व्लॉग लाओ, तो भाई व्लॉग तो आएंगे गाइस। और हमने अपना DB किलर जो है खोल दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले मैं साउंड सुना दूँ इसकी। सुन रहे हो भाई क्या साउंड आ रही है यार, नेक्स्ट लेवल सीन गाइस। अभी इसमें तेल भी नहीं है, देख रहे हो लो फ्यूल लेवल आ गया हुआ है। तो अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट से, तेल वगैरह भराते हैं। कैसे हो? बढ़िया भैया। कहाँ से हो भाई? मैं जुबल से भैया यार। अच्छा व्लॉग्स वगैरह देखते हो? जी आपके बहुत बड़ा फैन। नहीं नहीं मेरी जान फैन नहीं, सब भाई है सब भाई है। कल आप ही तो नहीं रोक रहे थे मेरे को यहाँ ऊपर? आपके लिए दौड़ के आ रहा था आप चले गए। यार ब्रो मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था, मैं लेता हूँ। इधर दो सेल्फी लेते, एक सेल्फी सेल्फी लो मेरी जान, एक सेल्फी ले लेते हैं, आ जाओ गाइस। गांव के रोडों पे ना बाइक पकाने का मजा ही कुछ और है भाई। हाय हाय छोटे छोटे बच्चे गाइस। ओ भाई ब्रेकिंग देख रहे हो भाई, नेक्स्ट लेवल सीन गाइस।
अभी हम पुल को क्रॉस करेंगे और हम पहुंच जाएंगे सीधा ही अपने हार्ट कोटी। बाकी आपको पता ही है गाइस, जब भी मैं रोड आता तो क्या सीन्स रहते हैं। यहाँ पे गाइस अभी रोड का काम जो है वो चल रहा है, मतलब यहाँ से पोंटा साहिब तक एक नंबर रोड बनने वाला है, मतलब 4 लेन हाईवे, तो मजा आने वाला है। हाय 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 हाय, देख रहे हो गाइस, जगह मिलनी चाहिए बाबा, बस तुम्हारा भाई निकाल ही देता है यार। तो भाई यहाँ से देखो आप, हाईवे का काम जो है स्टार्ट हो ही गया भाई लगभग, तो जल्दी से बस हाईवे बन जाए फिर मजा आएगा गाइस। फिर मैं भाई यहाँ से, मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पूरी कॉर्नरिंग वगैरह पूरा फील मतलब यहीं पे मिलने वाला है। तो भाई जल्दी से यार रोड बन जाए गाइस, मैं बहुत ज्यादा मतलब इंतजार कर रहा हूँ भाई, क्या मजा आएगा भाई यहाँ से उड़ाते हुए। जो गाइस मैं वीडियो की बात करता था ना, जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो मैं बाइक से गिरा था, तो बंदों ने बॉडी फेम किया था भाई, वो जो वीडियो है ना वो इसी पॉइंट किया, यहीं पर मैं गिरा था बाइक से। तो भाई एक वो दिन था और एक आज का दिन है गाइस। चलो भाई तुम अपना काम करते रहो, मेरे को जाने दो। गाइस एक टाइम पे यहाँ पे इतना टाइट होता था ना भाई, और ये इतना खुला बन गया है भाई, जब यहाँ पे प्रॉपर हाईवे बनेगा भाई, उड़ाने का जो मजा आने वाला ना गाइस, जो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो अभी भाई सबसे पहले मेरे को मंदिर जाना है, उसके बाद अपनी बाइक की वॉशिंग वगैरह भी करानी है, और भाई जो अपने रोडू से बाबा वाली नंबर प्लेट थी यार, वो ना कहीं गुम होगी भी यार, मैं ना वो सोच रहा था आज लगाने की, बट चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं फटाफट से मंदिर दर्शन वगैरह करते हैं। जब मैं पहुंच गया हाटेश्वरी माता के मंदिर, अभी यहाँ पे दर्शन वगैरह करते हैं। अकेले आया तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई के साथ कोई भी नहीं होता रोडू में, तुम्हारे को पता है ठीक है। अभी चलते फटाफट से दर्शन वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। गाइस अभी दर्शन वगैरह जो हो गए हुए हैं, मतलब हाटेश्वरी माता के, काफ़ी टाइम बाद यार इस मंदिर में मन को शांति जैसी मिल गई यार। हमारी जो है ये कुल देवी हैं, तो भाई अभी मतलब नवरात्रि भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो तब भी मज़ा आने वाला भाई ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से फटाफट से, आज यार मंदिर को मन को ना शांति मिल गई कसम से गाइस। तो अभी यहाँ से फटाफट से निकलते हैं गाइस रोडू की, और बाकी देखते क्या सीन रहता है आज का। तो भाई अभी मैं पहुँच गया हूँ हाईवे पे, अब यहाँ पे मेरे को मेरा फ्रेंड जो है वो मिलने वाला है, तो देखते हैं कहाँ जैसे है वो, कहाँ होगा कहाँ होगा। यहाँ देखो गाइस अपना वेट कर रहा है। हाँ जी क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया अब ओके, चलो फिर बैठो भाई जी। अरे यार होली कुछ नेक्स्ट लेवल मना दी, तो गाइस अब मजा आने वाला है भाई, इतने टाइम के बाद जो है वापस अपनी सिटी में। बॉय बॉय यार मजा आने वाला है गाइस। हो भाई अभी रोड भी जो है मेटल हो रही है भाई, देख रहे हो। एक ही हाथ से बाबा देख रहे हो। भाई सुपर बाइक लानी है हमें जल्दी भाई अपने रोडू में भाई, क्या मजा आ रहा है बॉस अभी। एक ही हाथ से देखो बाबा, नेक्स्ट लेवल सीन भाई, नेक्स्ट लेवल सीन। तेल भरा लेते भाई, इतना तेल पीती है ना गाइस, जब से तो यार एग्जॉस्ट जलाया है ना, तब से तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल ही तेल पीने लग गया है। बट क्या करे भाई, इसको भी प्यास लगती है बस। क्या हाल है भैया, कैसे हो? बढ़िया। कितने का तेल भर रहे हो बोलो अपनी ओर से। बड़ी गंदी आदत है, बड़ी गंदी आदत है। 500 का भर दो भैया। अच्छा चलो पेट्रोल पंप ले लेना अपना ही, भगवान से दुआ है आप जीत जाओ जल्दी ठीक है। पेट्रोल जो है भरा दिया हुआ है, अभी यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। ये देखो भाई पीछे पीछे बाबा पीछे पीछे बाबा पीछे
भाई काफी सारे बंदे मेरे से ये भी पूछ रहे थे भाई कि Xenos क्यों नहीं ले रहे हो, आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर्स भी जो हो गए हैं। बट भाई मैंने काफी सारे बंदों से मतलब अपने जो मेरे खास खास है उनसे मैंने पता करा कि भाई मैं Xenos मेरे को जो है लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो भाई मेरे को बंदे पता क्या बोल रहे, भाई अभी आप 200cc से सीधा Xenos पे स्विच मत करो, आपको पहले उसकी पावर समझने में टाइम लगेगा, आप पहले 390 ले लो उसकी पावर पहले समझो। तो भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पहले मेरे को ना 390 पे स्विच करना चाहिए, उसके बाद जो है मेरे को Xenos देखनी चाहिए। एकदम से इतनी पावर पे जो है एकदम से जाना तो भाई ये बहुत डेंजर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है भाई, ठीक है। और आपको पता ही है भाई क्या सारे सीन्स अपनी लाइफ में जो चले हुए हैं, एकदम से सब कुछ ठीक होता है एकदम से सब कुछ खराब हो जाता है। तो भाई अभी मैं इतना बड़ा डिसीजन जो है नहीं लूँगा, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई कि 390 लेनी चाहिए। बाकी 390 मेरे को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो भाई कमेंट करके बताओ कि मेरे को 390 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है गाइस। बाकी मैं भी यार यही सोच रहा हूँ कि 390 बेस्ट रहेगी यार, सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा। बाकी देखते क्या रहता है यार, जिस हिसाब से अब लाइफ चली है उस हिसाब से तो आपको पता ही है भाई 390 बेस्ट रहेगी। बाकी यार चलते फटाफट से। और भाई एक चीज़, एक बात मैंने आपसे और करनी थी, अपने इंस्टाग्राम का जो नाम है मैंने बोला था भाई जैसे 100 के हो जाएंगे मैं चेंज कर दूंगा, बट भाई वो हो ही नहीं रहा है यार। मैंने उसका नाम भी जो है रोडू से बावा रखना था, बट भाई वो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। पीछे भाई जब तो तुम्हारा भाई फॉर्म में आता है ना तब तो बाबा आपको पता ही है, दो हाथ से तुम्हारे से बाइक चलती नहीं है, दूसरों को बोलते हो छपरी। पहले खुद को देख लो। तो गाइस यार अभी ना एक गंदा ही सीन हो गया भाई, अभी हमने रोडू की ओर जा रहे थे तो भाई एक बहुत ही गलत सीन हो गया भाई। मैंने पहले ही बताया था मतलब जैसे ही मैं अपने बाइक का काम कराता हूँ ना उसके बाद कुछ ना कुछ सीन जो अपने बाइक में हो ही जाते हैं। तो भाई अभी पता क्या हो गया, अगले जो शॉकर होते हैं ना उसकी सील जो होती है ना वो लीक होगी हुई है, और भाई पूरे टायर में ऑयल ही ऑयल, पूरे मतलब शॉकर्स में ऑयल ही ऑयल लग गया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन हो गया भाई। तो भाई ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ से सारा ऑयल जो है वो लीक होकर यहाँ पे आ गया भाई, दिख रहा है आपको? ये देखो भाई इधर भी पूरे टायर में जो है ऑयल ही ऑयल लग गया हुआ था, इसलिए हम बाहर से थोड़े साइड को आ गए भाई। ये देखो भाई पूरी यहाँ से यही होती ना सील्स, ये होती ना सील्स, इसके बिल्कुल इसके अंदर होती है। अच्छा इसके अंदर होती है, तो ये डस्ट से हो जाता है, जो डस्ट है ना ये वाली, ये देखो ये थोड़ी थोड़ी करके यहाँ जमा होती है फिर ऑयल लीक मारता है। पूरा लीक हो गया भाई, अब फिर से यार इसमें ना मतलब 3,000-4,000 का गस्सा लग जाएगा। अभी मैंने सोलन फोन करा था तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको सोलन ही आना पड़ेगा। भाई मैं कल ही घर आया हूँ और मेरे को फिर से सोलन जाना पड़ेगा। बाकी भी अशोक भाई के पास जाके देखते कि क्या सीन रहता है भाई, ये गलती सीन हो गया यार। अभी परसों बाइक का काम कराया गया था और फिर से भाई खर्चा हो जाएगा। अभी देखो भाई पूरा ऑयल लग गया हुआ यहाँ पे भी, देख रहे हो भाई, गलती सीन यार। ओ भाई हो भैया नमस्ते, कैसे हो भैया आप? बहुत बढ़िया भैया। गैस की आपके पास शॉकर सीले होंगी, ये लीक होगी भैया यार, लीक ही है ना, देखो तो लीक है। चलो कैसे हो? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बढ़िया। फिर दादा कैसे हो? बढ़िया, मजे में। नमस्कार भैया, कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो? बढ़िया यार, आप बताओ क्या चल रहा है? इसका क्या कर दिया, इसका क्या किया? गाइस ये बाइक आपने बेचानी है भाई, सुधांशु की 390, इसका पता नहीं क्या चक्कर, देखो टैंक पैड वगैरह मतलब टैंक वगैरह सब कुछ खोला हुआ है भाई। हमारे बाइक का ना यार काम नहीं कर रहे, शोक भाई क्यों नहीं कर रहे हो? खुद क्यों नहीं कर रहे हो? गाइस अभी अपनी बाइक का काम जो स्टार्ट हो गया भाई, अभी कितना टाइम लगने वाला है? आधा घंटा, जल्दी नहीं हो सकता? गाइज आज का ब्लॉग ना मतलब पूरा बना ही नहीं भाई, अभी आधा घंटा मतलब लगने वाला है। मैंने पहले ही बताया था भाई अपनी बाइक को मैं जैसे ठीक करके लाता हूँ ना कुछ सीन जो हो ही जाता है। अब क्या करें भाई, कोई चक्कर नहीं, चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बाकी यार मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार, गाइज 1,00,000 सब्सक्राइबर्स अपने रोडू मेले से पहले हो गए। मैंने मतलब सोचा था कि रोडू मेले तक ही होंगे, मतलब मेरे को डर था कि कहीं रोडू मेले तक ना हो, बट भाई रोडू मेले से पहले आप लोगों ने जो मतलब सपोर्ट दिखाया ना कि रोडू मेले से पहले अपने इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, तो थैंक यू गाइज, बस ऐसा ही प्यार बनाए रखो। बाकी अभी बाइक का काम कराते हैं, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। गाइस देख रहे हो भाई बिना मटका के कैसी लग रही है भाई।
मड़गाड़ी नहीं है गाइस, देख रहे हो। तो गाइस अभी अपना फ्रंट शॉकर जो है वो पूरा खोल दिया हुआ है, मतलब जो लीक मार रहा था पूरा, देखो भाई अभी खोल दिया हुआ है। अभी ये देखो गंदा है ऑयल भी हुआ। ओ भाई देख रहे हो, ये देखो भाई यहाँ पे। ओ भाई कम था ना ऑयल इसमें। ओ भाई तो भाई ये देखो बिना शॉकर की कैसी लग रही है अपनी बाइक। भाई कितना काम करा दिया इसमें, मैंने कसम से बता रहा हूँ भाई। लोगों को लगता है ना व्लॉगिंग आसान है, तो भाई देख लो यहाँ पे खुद पूरी बाइक खोल दी हुई है भाई। अभी और मोटा खर्चा होने वाला है, बड़ा मुश्किल है यार। तो फाइनली गाइस अभी अपने बाइक का काम जो है वो हो गया हुआ है, मतलब भाई मोटे कस्सा लग गया आज भी यार। देखो भाई 4:21 हो गए थे, अभी जाके हम फ्री हुए हैं। सुबह का मतलब का सुबह की हमने जो बाइक लगाई हुई थी, बट चलो कोई बात नहीं, अपनी बाइक जो बिल्कुल रेडी होगी। भी अभी वॉशिंग वगैरह जो हम करा रहे हैं बाइक की, और इसके बाद निकलेंगे गाइस, जो भी सीन रहता है आपको बता दूंगा। गाइस ये देख रहे हो बाइक कौन धो रहा है हमारी, सुधांशु। जिसने मेरे पुराने व्लॉग देखे उनको पता होगा भाई, सुधांशु की 390 भी मतलब मेरे पास होती थी, और इसकी RC भी दो बाइक इसके पास है। देख रहे हो भाई शरारते कर रहा है। ये अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा, इसकी दोनों बाइक अंदर लगी हुई, आपने सुबह देखी होगी 390, वो इसकी है, वो थोड़े काम करने को लगी है, और एक RC है वो वहां पर ही लगी है भाई। ओए यार भाई कितना शरारती है यार, ये मत करो। तो भाई अभी पड़ गई है बर्फ, रोडू पहुंचते पड़ गई है बर्फ, देख रहे हो। देखो भाई ये क्या चक्कर है, बर्फ क्यों पड़ गई, मौसम भी खराब हो गया गाइस और बर्फ पड़ गई भाई, ये देखो। तो गाइस अभी अपने बाइक का काम जो है प्रॉपर हो गया है, इसकी शॉकर सीले जो लीक हुई थी वो भाई नई डाल दी हुई है, पूरा शॉकर खुला आपने देखा ही होगा। बाकी अभी वॉशिंग वगैरह जो बाइक की करा दी, इसमें जो प्रोटिस लगी थी वो पता क्या यार एक बार ना टूट गई हुई थी, तो मैंने वो पूरी निकाल दी। और भाई यहाँ देखो हल्का हल्का जो है पेंट भी उखड़ गया हुआ है, देख रहे हो इस साइड से भी, इसको भी पेंट हम जल्दी करवा देंगे। बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं, ये देखो भाई ये देखो रोडू में क्रेज आ रहा है भाई नेक्स्ट लेवल वाला। तो गाइस अभी यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। नहीं सर ये पहले कंपनी से फिटेड है सर, कंपनी फिटेड तो है, जब सर इंडिकेटर देना तब दे सकते हैं सर। आगे पीछे से चलते रहे, आगे पीछे ऐसे ही चलते हैं कंपनी से सर। एक अगर इसमें सर स्विच लगा होगा सर, खुद देख लो आप। इकलौता KTM बाइक है, बाकी और सर सबके है सर, सबके है सर, कोई प्रोविजन तो होगा सर कंपनी से। सर आप फोन करके पूछ लो सर। फोन करके क्या पूछ, नहीं सर आप बोल रहे हो ना सर, फिर कोई सर जो गलती होगी आगे से ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलो हेलमेट तो पहनना पड़ेगा ना आपको। हां जी तो हेलमेट पर सबसे तक जाते था, कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड है, आप देख लो कहीं भी वायर हो गया घर है भैया। चलो ठीक है चालान कर देते हैं, कोड इंप्रूव कर देना, ठीक है चलो कर दो है, ऐसे चल पड़ेगा, कंपनी फिटेड है भैया। कोड चलो कर देना, फिर क्या कर रहा है, हमारे को तो लग ही रहा है कंपनी फिटेड है, आप देख लो खुद सच में कंपनी फिटेड है। चलो यहाँ पे हो गया सीन, निकालो जा रहे सही बोल रहे सर आप आराम से चलाओगे। सॉरी अंकल जी सॉरी अंकल जी, मैं चला रहा था अंकल जी, सॉरी ऊपर वाले रोड पे उतनी तेज नहीं था अंकल जी। अरे चलो चलो ठीक है, सॉरी अंकल जी ना, चलो 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 गाइस अभी हो गया सीन भाई, सॉरी सॉरी चलो दूसरे बंदे को, ठीक है हाँ जी ठीक है, सॉरी ओके चलो गाइस यहाँ पे हो गया भाई वो टाई सीन, चलो। तो गाइस अभी हम आ गए मैच देखने, क्रिकेट क्रांति भाई बहुत ही तगड़े मैचेस यहाँ पे जो है चले हुए अभी हो रहा है, मतलब ठेव की दो टीमें हैं शायद, मेरे को ज़्यादा नहीं पता उनका मैच वगैरह जो है यहाँ पे चला हुआ है। बाकी ये रहा यहाँ पे पवेलियन होटल, भाई बहुत बड़ा होटल है यार, ठीक है तो फुल पावर भाई यहाँ पे मैच वगैरह चला है, अभी थोड़े बहुत इन्जॉय यहाँ पे करेंगे, मैच वगैरह देखेंगे, ठीक है भाई। दर्शक दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो भाई यहाँ पे असली दर्शक तो ये वाले हैं, ये देखो यहाँ पे ना तीन डॉग्स आए हुए गाइस अंदर,
ग्राउंड के अंदर ना, तो भाई अभी थोड़ी देर मैच वगैरह देखते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे, उसके बाद बम वगैरह जो हमने फाड़ने हैं तो देखते हैं उसके बाद क्या रहता है। अभी देखना गाइस शॉट, ओ भाई क्या शॉट था यार, भाई नेक्स्ट लेवल यार, ठियोग वाले भी कम नहीं है गाइस, भाई नेक्स्ट लेवल शॉट था यार। सो गाइस अभी रात के बज गए हुए हैं 9 और भाई हम पहुंच गए हुए अभी रामला ग्राउंड में। हाँ भाई वहीं पे जहाँ से यार रोडू मेला मतलब जो स्टार्ट होता है रोडू मेले का, मतलब जहाँ पे मंच लगता है, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे, तो भाई मतलब कुछ दिनों बाद रोडू मेला भी है। आप लोगों को पता होगा मैंने पहले बताया था कि भाई मतलब मेरे को ना अपने 100 के सब्सक्राइबर जो रोडू मेले से पहले करने हैं, तो भाई रोडू मेले से पहले तुम्हारे भाई ने जो है 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए। मैं आपको दिखाऊँ तो आप ही देख सकते हो ना, यहाँ पे लगा है भाई राज्य स्तरीय रोडू मेला मंच 2023, देख रहे हो भाई, मतलब जो 24 का राज्य स्तरीय रोडू मेला रहने वाला है, मतलब अब ये स्टेज वगैरह जो पूरा चेंज होने वाला है। रेड का भाई अभी ये चेंज होएगा ना 2024 का, ना 2024 का जब होगा तभी, तो गाइस सोचो 2023 में ही मतलब हमने मतलब एक हिसाब से मतलब रोडू मेले के हिसाब से तो हमने भाई 2023 में ही अपने जो है सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए 100 के। तो थैंक यू गाइस आपने यार जो सपोर्ट दिखाया, भाई लव यू। आपको मैंने पहले बताया था भाई रोडू में भी हम जो बम जरूर फाड़ेंगे, क्योंकि भाई जिस सिटी से उठे ना, जिस सिटी का नाम कर रहे हैं, वहाँ पे खुशी मनाना तो बनता है भाई। और मेरे साथ मेरे भाई लोग भी है जो जिन्होंने मतलब मेरा स्ट्रगल वगैरह दिखाया। अब मैं आपको स्काई शॉट दिखाता हूँ हमने कौन सा स्काई शॉट लिया है। तो गाइस ये रहा हमारा स्काई शॉट, ये कि यार तेरे को फोन से ब्लॉक करते हुए देखा यार हम लोगों ने, यार देखा आज कहाँ पहुंच गया भाई, देख रहे हो भाई, ये तुम्हारे लिए मैटर करती है कि यार अपना दोस्त आज 1,00,000 सब्सक्राइबर से भी ऊपर जा चुका है यार। गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहना यार मंजुल को ना यार, ठीक है भाई, ये नया नया कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहेगा यार, जितना सपोर्ट दिखाएंगे यार अपने भाई को यार उतना ही बढ़िया रहेगा। ये प्यार है भाई रोडू वाला, चिल करो यार सबने। गाइस अब भाई थोड़ी देर में उसी जगह से जहाँ पे रोडू मेला होता है, मतलब रोडू मेले से पहले मैंने बोला था कि रोडू मेले से पहले हमने जो अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, और भाई नतीजा आपके सामने है गाइस। बाकी आवाज बहुत ज्यादा खराब है, तो भाई आई एम सो सॉरी, गला बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे अभी बम फटने वाले है गाइस, बस यार प्रिपरेशंस चल रही है थोड़ी बहुत ना ब्लास्टिंग की। अच्छा, बस हो सकेगी औरों के घर ना फूक जाए तो कहां जैसे चला रहा है इसको गाइस। ये यहां पे महाराज जी का मंदिर भी है, बम फाड़ने तो मैं एक्सपर्ट हूं, बम फाड़ने तो मैं एक्सपर्ट हूं, मैं किसके घर की ओर करूं, नहीं 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 भाई सबके घर की ओर करना, बट ये रहा यहां पे, देख ये तेरा घर है ना, सुन मां बाप रूम आगे वाला ना, आगे वाला देख, आगे वाला रूम उड़ा देना मैंने, उससे भी आगे है भाई, यहां नहीं गाइस, मेरे बाइक पे नहीं मारना इसको, आज ही काम कराया है, मेरा बाइक सलामत रखेंगे यार, यहां पे रख देते इसको, यहीं से फाड़ देंगे इस बाइक ने यार, कहां से कहां पहुंचा दिया कसम से भाई, मतलब लव यू यार, मम्मी को भी से भाई वीडियो फैमिली इतना प्यार दिखाने को। तो गाइस अभी आ गया है टाइम भाई बम फाड़ने का, लाइटर तो हमारे भाई ने ले लिया, मतलब खरीदना पड़ा भाई लाइटर भी, आप बाकी आ लोग आ जाओ फिर। तो गाइस ये उसी जगह से पीछे की हवाई वाली, तो गाइस देख लो राज्य स्तरीय दो। तो गाइस ये हो गया अब स्टार्ट थोड़ी देर में सिस्टम गाइस, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, बहुत ज्यादा खुशी है भाई, बहुत पूरे 60
ओ भाई खत्म गाइस नेक्स्ट ये आप ब्लॉग बना के दो करते हैं क्या हुआ प्रीति जी आगे घर वाले आगे बाहर क्या हो रहे अंकल जी क्या हो रहे घर वाले बोल रहे थे कि यार इसको बोले ग्राउंड मारे कैसा है ड्राइविंग बेस्ट है।